अब जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं वो आपके मन में उठा है, ये स्वाभाविक बात है। प्रश्न है, अब हम लोग क्या करें? जितना देख सुन रहे हैं द्वंद उतना बढ़ता जाता है। सही बात बोली है। जीवन मार्ग पर तुम कितना कुछ देखते हो, लिखते पढ़ते हो, समझते हो, फिर भी तुम्हारा द्वंद बरकरार रहता है। समस्या के हाथों क्या रिहाई पाते हो? ये द्वंद, ये समस्या बनी रहेगी। समय की गति तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करती, द्वंद भी तुम्हें नहीं छोड़ता। जीवन के संग मृत्यु पर्यंत चलता है। तुम जहां भी जाओ, सीधे चलो या पीछे चलो, झुककर चलो या किसी अन्य प्रकार से चलो, पृथ्वी जब गोल है तब घूम फिर कर जैसे भी तुम बढ़ो, एक समस्या का हल ढूंढ लेते ही दूसरी समस्या सामने, अंत तो गतवा एक समस्या बनी रहेगी, परंतु भीतर उसके समाधान का मार्ग भी अपने आप दिखेगा। मार्ग पर जब तुम सामने की ओर बढ़ते हो तो तुम स्वयं देखकर समझकर चलते हो। अगल बगल आगे पीछे की समस्याओं पर नजर रखते हुए ही तुम आगे बढ़ते हो, अर्थात गंतव्य स्थल जब तुम्हें नहीं दिखता उस वक्त तुम्हारी दृष्टि खूब सजग रहती है। उस वक्त तुम्हारी आंखें सामने होते हुए भी नजर पीछे ही लगी रहती है। मार्ग की विपत्तियां नजर नहीं आने पर भी आंखें उस बारे में सचेत रहती हैं। कभी आवाज करती हैं, हट जाओ। कभी लगता है सामने ऊबड़ खाबड़ है। कभी लगता है राह भूल गए क्या। कभी लगता है ठोकर खाकर गिर ना पड़े। हर समय ये सोच तुम्हारी बाधाओं का अतिक्रमण करते हुए तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहती हैं। ये समस्याएं हैं जिनके कारण रास्ते में जिससे तिससे पूछते फिरते हो कि सही मार्ग पर जा रहे हो या नहीं, रास्ता प्रशस्त है या नहीं। इन सहायकों के द्वारा तुम स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लेते हो। उस समय ये तुम्हारे अंग स्वरूप कार्य करते हैं। चलते चलते समस्या की जटिलता जब बढ़ती है तो तुम्हारी चिंता शक्ति और सक्रिय हो उठती है। तुमने मानो सोचा बहुत दूर जाना पड़ेगा। समय अपनी गति से चलता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। इस दिशा में हो सकता है कि तुम अपनी गति से समय पर ना पहुंचो। इसके लिए तुम्हें एक और आदमी ठीक करना होगा। वो केवल बोलेगा ठीक है, चलते रहो। मार्ग में कोई बाधा आने पर आगाह कर देगा। उसकी सहायता से तुम द्रुत एवं सहजता से आगे बढ़ गए।
तुम्हारी आवश्यकता एवं आत्मरक्षार्थ सही मार्ग पर चल सको, इसके लिए तुम्हारे अंदर से ये बुद्धि निकली, तुम अपनी बुद्धि पर चल सको, इसके लिए ही ये व्यवस्था की गई, जिससे कि तुम्हारे चलने में सुविधा हो सके। ये स्वाभाविक भी है, रोग होने पर उसे ठीक करने की व्यवस्था तुम करते हो, शोक होने पर सांत्वना पाने की व्यवस्था तुम करते हो, जो तुम्हारे ही अंदर से जागृत होती है उसी के अनुरूप तुम काम किया करते हो। थोड़े में नहीं होने पर और भी नाना प्रकार के मार्ग का अवलंबन करते हो, जब तक कि तुम्हारा उद्देश्य सिद्ध ना हो जाए। समझ की ओर से भी वैसा ही है, जब तक समझ नहीं आती तब तक समझने का प्रयत्न करते हो, जिससे कि तुम अच्छी तरह समझ सको, उसके लिए विभिन्न मार्ग का अवलंबन करते हो। जीवन के मार्ग पर भी तुम इसी प्रकार से अग्रसर होते हो, कभी अनुभवी गुरुजनों की सहायता से तो कभी अपनी प्रतिष्ठा एवं प्रकृति की सहायता लेकर। यही एक इशू जब सामने आ खड़ा होता है, तब उसके अंतिम समाधान तक एक के बाद एक मार्ग चुनते रहते हो। ये तुम ही करते हो और तुमसे ही होता है। जीवन के मार्ग पर आवश्यक सामग्री विभिन्न वस्तु एक एक इशू है, खाद्य, वस्त्र, आवास, शिक्षा, अर्थ एवं जीविका इत्यादि। इशू की सुंदर व्यवस्था करने के लिए नाना समस्याओं से गुजरना पड़ता है, इनका समाधान भी अपने ही हाथ में है। किस प्रकार किसे पकड़ने पर, किस मार्ग पर चलने पर काम पूरा होगा, उस बारे में सैकड़ों मार्ग का चुनाव तुम खुद करते हो, अनेक लोगों से परामर्श लेते हो, फिर अपनी विचार की कसौटी पर परख कर उनमें से किसी एक को अपनाते हो। जो तुम्हारा खुद का विचार होता है, जिसके गर्भ में शिशु होता है, वो यही सोचती है कि क्या करने पर अच्छे से प्रसव होगा। इसी सोच पर वो उसके निदान का मार्ग खोजती है एवं अपने इशू का मार्ग चुन लेती है। अनंत काल से परिक्रमा करते हुए ऐसे इशू आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार से उनके समाधान भी हुए हैं। लौकिक जगत में जागृत इशुओं की घात प्रतिघात सहते हुए समाधान तक पहुंचे, पर आज जिन इशुओं के सम्मुखीन हम हुए हैं उनका समाधान कैसे हो। इन इशुओं में केवल हताशा के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो क्या हाय हुल्लड़ करते रहना होगा या कोई विधि व्यवस्था भी है? वास्तविक दुनिया की इशू का मापदंड है, उनकी सीमा खोजी जा सकती है। चेष्टा कर, परिश्रम कर, जिधर से जाएं कुछ ना कुछ लिख गए हैं, उन्हें पीसकर गोली बनाकर खिला देने पर भी इनका समाधान नहीं होता। इसके समाधान के लिए प्रकृति के ग्रंथ के एक एक पन्ने की एक एक पंक्ति को यदि सांगोपांग जान सको, तो उसी के बीच अपने चलने के मार्ग को ढूंढ पाओगे। हो सकता है कि तुम सिर पर हाथ रख सोचते हो, इस अनंत असीम सागर को कैसे पार करेंगे। इन पार्थिव जगत की वस्तुओं द्वारा ही उसे समझना होगा, उनके गुण धर्म लक्षण पृथ्वी की सीमा से बाहर नहीं है। महाकाश में ऐसा कुछ नहीं जो पार्थिव जगत में ना हो, अतः इसी वर्तमान द्वारा भूत भविष्य को ज्ञात कर लेना होगा। जिस प्रकार भूगोल पढ़कर पृथ्वी की जानकारी होती है, उसी प्रकार पहले ग्रंथ को पढ़ लेने पर तुम सभी को समझ लोगे।
महाकाश में क्या है, क्या नहीं है, आकाश की ओर देखकर उसका संधान नहीं कर पाओगे। तुम्हारी समस्या का समाधान भी केवल ऐसे देखने से नहीं हल होगा। उसका मानचित्र ये प्रकृति है, इस मानचित्र पर देखो। इस मानचित्र का शुरू से यदि सूक्ष्म रूप से अध्ययन करो, विश्लेषण करो, तो यही मानचित्र रहा पकड़ा दिखा और समझा देगा कि किस प्रकार तुम्हें चलना चाहिए। अनंत महाकाश में रहने वाला यदि कुछ हो तो इसी पार्थिव विषय वस्तु के विश्लेषण से उसे पाओगे। स्वर्ग नर्क पाताल के रूप में यदि कुछ है तो यहीं की इशू उसे जानने की सीढ़ी है। नहर झील नद नदी की तरह उन्हें भी महाकाश महासागर अपनी ओर खींचता है। तो क्या जड़वादियों के मत को मानना होगा कि यहीं पर सब शेष है? एक प्रकार से सोचकर देखा जाए तो यहीं सब का अंत है। यहां की इशू वो बात नहीं कहता। इशू कहता है केवल वैदिक धारा के अनुसार तुम गए, इसी से तुम अपने चलने के मार्ग का संकेत पा जाओगे। तुच्छ से तुच्छ किसी भी एक वस्तु को लेकर विश्लेषण करो, देखोगे वो कितनी अद्भुत रूप से सजाई गई है, उसके अंदर कितना रहस्य छिपा है, कितना सूक्ष्म तकनीकी विज्ञान इसमें लगा है। अवाक हो जाना पड़ता है। केवल कृष्ण नगर के मिट्टी के आम या लीची देख हम आश्चर्यचकित हो उठते हैं। बार बार निकल पड़ता है कि किस कारीगर ने इसे बनाया है। और चारों ओर आंख उठाकर देखो, क्या अद्भुत कारीगरी का मेला लगा है। पानी रोशनी हवा अणु परमाणु इसी के मध्य चेतन बुद्धि और मन, किस कारीगर की सृष्टि का खेल है। इन्हें देखने पर स्वभावतः मन में प्रश्न जागता है, इन्हें कोई हाथ से बनाता है, नहीं तो कैसे बनता है। मन में नहीं उठता कि कोई भीतर ही भीतर इसे किए जा रहा हो। यदि कहूं किसी ने इनकी सृष्टि नहीं की, अपने आप आपसी मेल से हो जाता है, तब मान लेना होगा कि ये नियम जागृत है। कारण इस प्राकृतिक नियम में तो कोई अतिक्रमण नहीं होता। मिट्टी को मुंह में डालते ही नमकीन लगता है, उसी मिट्टी के रस को चूमकर खजूर का पेड़ मीठे रस का भंडार संचय करता है। दूसरी ओर नीम के पेड़ का प्रत्येक पत्ता कड़वा होता है, एक ही रस को सींचता है जो अंदर जा परिवर्तित हो जाता है। किसी एक कौशल से ही ये परिवर्तन होता है, किसी नियम के अंतर्गत ये होता रहता है, इसे तो मानना ही होगा। साधारण एक गन्ने से जब गुड़ बनाया जाता है, पहले उसे दबाकर रस बनाना होता है। इन पेड़ों पर भी वो दबाव देने की प्रक्रिया अवश्य होती होगी। इसके बाद विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए नमकीन मिट्टी से मीठा रस तैयार होता है, किसी भी प्रकार से हो, पर कार्य तो यही हुआ, उसे तो अस्वीकार नहीं कर पाओगे। अतः वहां एक सजग चेतना कार्य कर रही है, इसे मान लेना होगा। तुम्हारी आंख कान नाक त्वचा गलत नहीं बताएगी। अपनी प्रत्येक इंद्रियों द्वारा प्रकृति ग्रंथ का पाठ करो, उन्हीं से विश्व जगत का एक इतिहास खोज पाओगे, इसका उद्देश्य जान पाओगे। कहीं मिट्टी पर बीज फेंको, वो पेड़ बन आकाश की ओर उठ खड़ा होगा। उस
उसमें फूल फल लग जाएगा। फूलों की सुगंध फलों का पान कर लिया, पर क्या इनके मर्म अर्थ को किसी ने समझने की चेष्टा की? जिस बीज को रोपा वही फूल फल बन महाकाश की ओर पनप उठा। जब एक सीमा पर पहुंचता है तो फिर उसमें बीज आ जाता है। पेड़ बनने फल बनने की क्षमता इनमें है। एक फल से फिर अनेक बीज उत्पन्न होते हैं। ये भाषा क्या कहती है? जहां से शुरू वहीं आकर मिलता है, फिर वहीं से शुरू होता है। इस अनंत परिक्रमा का आदि नहीं अंत भी नहीं है। प्रकृति उंगली के संकेत से दिखा देती है। महाकाश की महाशक्ति से यदि सृष्टि हुई हो तो वो शक्ति तुम में विश्व जगत की प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। तुमसे जब सृष्टि होती है उसमें भी वही महाशक्ति विद्यमान है। महाशून्य की जो चेतना शक्ति तुम में विद्यमान है वही एक दिन बढ़ते हुए फूल के रूप में निकलती है। उस समय स्वाभाविक रूप से महाकाश की सोच को हम सब समझ सकेंगे। जो भी हो, मृत्यु प्रांत कुछ है या नहीं है, सृष्टि किसने कैसे की, ये सब तुम्हें सोचना नहीं है। दूसरी ओर संसार निर्जीव है, इसके बाद और कुछ नहीं है कहकर वहीं रुक भी जाना नहीं। तुम प्रकृति ग्रंथ का पाठ करो, उसकी प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ो। विश्लेषण का मार्ग ही हमारा मार्ग है। इस विश्लेषण का तराजू तुम्हारे हाथ दे दिया। तुम प्रत्येक जागृत विचार योग्य विषय इशू को तराजू पर वजन करो, इसी मानदंड को विचार कर आगे बढ़ो। किसे छोड़ना किसे रखना होगा, विश्लेषण का ये बंटवारा ही उसे बता देगा। जो सत्य है वो तुम्हारे अंदर से ही प्रस्फुटित होगा। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण।